मेरा नाम राजेश चौधरी है, साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एंड एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आया हूँ फिबोनाची से रिलेटेड। फिबोनाची सीक्वेंस को हम एंट्री में कैसे यूज करें और फिबोनाची को हम एग्जिट के मीन्स प्रॉफिट बुकिंग में क्यों नहीं यूज करना चाहिए, इसके बेस्ट मीन्स बेस्ट पॉसिबिलिटीज क्या है, बेस्ट ट्रेड सेटअप्स कैसे बनेंगे और कब कब हमें ट्रेंड के अगेंस्ट यूज नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स के साथ लाइव क्लास करके मिस दोनों लाइव क्लासेस मैंने आपको विद क्वेश्चन आंसर मिस सारे क्वेश्चंस का प्रॉपर्ली आपको समझा करके दोनों क्लासेस को रिकॉर्ड करके कि आपके लिए अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे हर एक व्यूअर को बेस्ट प्राइस एक्शन एजुकेशन मिले। और इस चीज की मैं गारंटी देता हूं कि दोनों वीडियो को प्रॉपर देखने के बाद, समझने के बाद, आपको मार्केट का देखने का, सोचने का, समझने का तरीका ही चेंज हो जाएगा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक दो पार्ट के अंदर आएगा, पहला पार्ट वन होगा, देन सेकंड पार्ट टू होगा, क्योंकि 40-40 मिनट की दो ऑलमोस्ट क्लासेज हुई है। तो हर एक पॉइंट को मैंने उसके अंदर डिस्कस किया है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है, फिबोनाची सीक्वेंस क्या है, इसको ट्रेडिंग में कैसे यूज करें, एंट्री के लिए कैसे कॉम्बिनेशन में यूज करें, एग्जिट के लिए हम क्यों ना यूज करें, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे कैसे हमें नहीं करना चाहिए। सब लोग ये बता ऐसे होता है, ऐसे करना चाहिए, कोई नहीं बताता कि ऐसे करना चाहिए और ऐसा करने से ये नुकसान है। मैं आपको नुकसान भी बता रहा हूँ और फायदे भी बता रहा हूँ। तो पूरे वीडियो को, दोनों वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और आपको समझ में आ जाएगा वीडियो देखने के बाद कि स्टूडेंट के साथ जो बॉन्डिंग है, कि मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ बेस्ट प्राइस एक्शन एजुकेशन दे रहे हैं इंडिया में आज के दिन। ये मैं गारंटी देता हूँ इस चीज की, इंडिया के अंदर आज के दिन मैं आपको बेस्ट प्राइस एक्शन एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन लिमिटेड लोगों को, क्योंकि भीड़ तो मैं इकट्ठी कर नहीं सकता, भीड़ इकट्ठी करने से क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो जरूर समझिए और समझने का आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सर एक बात बात पूछूं सर, सुब्रत बोल रहा हूँ। सर आपने जो सिखाया है डॉट ऐसे ही काम कर रहे हैं। देखिए आज निफ्टी में ऐसे ही बेस कैंडल हुआ, उसके बाद सिग्नल कैंडल होकर अभी तो नियर अबाउट 120 पॉइंट ऊपर भाग गया। ये आपने कैसे पकड़े सर? ये तो एनालिसिस तो छोटा मोटा नहीं है, मैंने कब बताया? में भी नहीं मिलेगा, कब बताया मैंने, मैं भूल गया। आपने बताया हम जो सीख रहे वो ठीक है ना, वो सीखते हैं, बाकी क्या करना है, किसी से क्या करना है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। कैसे किया? देखो सर, ये तो डिस्कवर है, ये कोई बुक में नहीं, बुक में नहीं मिलेगा सर, एक्सपीरियंस है सर। देखो पता क्या होता है, आप पहले, मैं थोड़ी हमारी संस्कृति में ज्यादा बिलीव करता हूँ, ठीक है? तो आप देखेंगे बड़े बड़े ऋषि मुनि तो तपस्या करते थे, है ना, किस लिए करते थे? कुछ पॉजिटिव गेन करने के लिए। कुछ कुछ ऐसे भी होते थे तपस्या करते थे नेगेटिव एनर्जी को गेन करने के लिए, है ना जी सर। तो आज भी ऐसे है, आज भी ऐसे कुछ पॉजिटिव एनर्जी गेन करने के लिए तपस्या करते हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जी के लिए गेन करने के लिए तपस्या करते हैं। तो भाई मतलब कहते हैं कि सबसे बड़ा एक्सपीरियंस क्या है, क्या है सबसे बड़ा एक्सपीरियंस? तपस्या है क्या? क्या 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 भूल के है सर, तपाया तब मिला ना, बहुत सारे आपने पर्सनल लाइफ में आप जब ठोकर खाओगे ना डे बाय डे तो आप जी सर, जी सर, खुद से सीखोगे तो ज्यादा बेटर है। कहने का मतलब एक 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 सही गुरु मिले, सही ज्ञान मिले और उसके बाद खुद से सीखोगे ना, उससे बेटर कुछ भी नहीं है। दुनिया का कोई आदमी आपको नहीं सिखा सकता, सीरियसली बोलो। जब तक आप में खुद से सीखने की नहीं है ना, दुनिया का कोई आदमी आपको सिखा ही नहीं सकता। पहले इंडियन सर आपकी खुद की होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल मुझे सीखना है, ठीक है ठीक है। पहला पढ़ाओ आपने पूरा पार कर लिया एक, उसके बाद जिससे भी आप एजुकेशन ले रहे हो, चाहे आप बुक से ले रहे हो, यूट्यूब पे तो खैर इन्फॉर्मेशन क्या बोलो, वो तो बात ही छोड़ो, या फिर किसी भी गुरु से ले रहे हो, ठीक है, तो उसकी रिस्पेक्ट करो, चाहे वो कोई भी हो, मैं हूं चाहे कोई भी हो, ठीक है, क्योंकि सही गुरु के बिना तो ज्ञान है, ठीक है। तो गुरु चाहे आप किसी को मान लो, या तो गुरु बना लो या गूगल को गुरु बना लो, कुछ तो कर लो, बात तो ऐसी है ना जी सर। हाँ हाँ बताइए। जो समझ सकेगा, समझा ना सकेगा, उसको गुरु मानना पड़ेगा, गूगल से नहीं होगा सर, हो ही नहीं सकता।
कुछ तो करना पड़ेगा ना, गूगल पर तो पढ़ते रह जाएंगे। हाँ तो ये ऐसा नहीं कि गूगल पे कंटेंट नहीं, गूगल पे तो बहुत कुछ है, बहुत बुक्स है, पढ़ लीजिए। मैं उससे कुछ होना जाना है नहीं एक्चुअली, मैं आपको बताऊं, क्योंकि चीजें तो रियल लाइफ में प्रैक्टिकली जो काम होंगी वही आएंगी। ये सब चीजें तो मतलब ठीक है, अच्छी चीज है, प्लस है, प्लस दे सकते हैं, किताबों से बहुत कुछ मिलता है, लेकिन अगर किताबों से बहुत कुछ मिलता तो स्कूल कॉलेज तो बंद ही हो जाने चाहिए थे सर। उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते ना कि हम किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट करें। हाँ, वही तो कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल नॉलेज सर एक गुरु ही करवा सकता है सर। हाँ, क्योंकि जिसने किया हो जी सर, एक प्रैक्टिकल नॉलेज गुरु ही करवा सकता है। ये हम लोगों का गुड लक है सर। देखो मैं आपको बताऊं कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट है जो मेरे से ज्यादा अच्छा करते हैं। ऐसा क्यों? मेरे स्टूडेंट मेरे से ज्यादा अच्छा करते हैं क्योंकि उन्होंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस लिया और अपना भी दिमाग लगाया, तभी तो ना। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, कोई किसी में से भी ज्यादा कर सकता है, रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते सब चीजें होती है। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से भी ज्यादा अच्छे करते हैं और इवन स्टूडेंट्स भी करते हैं, तो इसमें कोई अच्छी बात है। तो मेरे लिए प्राउड फील करने वाली बात है कि मेरे स्टूडेंट अगर अच्छे करते हैं तो उसे बेस्ट है ही क्या यार, ठीक है। 100% सक्सेस रेशियो रखना, 100% का मतलब 100%। इसलिए मैं आपको सिखाने के लिए इतना पेन लेता हूँ, नाम नहीं खराब करने, काम खराब करने के लिए पूरी दुनिया ये तो कर रही है, बेवकूफ बनाने में लगे हुए। दो कैंडलस्टिक सिखा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फिबोनाची सिखा दिया, इससे थोड़ी बात बनेगी, बात बनेगी पूरा सीखने से। चलिए हम जहाँ पे हम थे वहीं पे आते हैं और हमने चीजों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब सिंप्लीफाई करते हैं फिबोनाची को। फिबोनाची को टारगेट बुकिंग के लिए यूज क्यों नहीं करना? बिकॉज इसलिए नहीं करना क्योंकि अगर आपका ट्रेंड एंगल इस तरीके से हुआ, शार्प हुआ, इस पर ट्रेंड लाइन तो ड्रॉ होगी नहीं, या फिर अगर 45 डिग्री का भी अगर ट्रेंड एंगल हुआ, ठीक है, ऐसे भी हुआ तो भी आपका फिबोनाची क्या मिस, आपका जो आपको अभी तक सिखाया कि टाइप 1 टाइप 2 की एरिया वैल्यू, टाइप 1 टाइप 2 आपको पता है सारा सबको, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। तो टाइप 2 पे जब अगेंस्ट दैट ट्रेंड एंट्री करोगे तो मैंने क्या बोला, 50-50% आपके टारगेट्स नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि अगेंस्ट दैट ट्रेंड आप एंट्री करते हो तो आपको एंगल जो है वो फ्लैट चाहिए। कहने का मतलब अगर आप नेगेटिव मार्केट में करते हो तो नेगेटिव टू साइडवेज मार्केट चाहिए, अगर पॉजिटिव मार्केट में करते हो तो पॉजिटिव टू साइडवेज मार्केट चाहिए। अगर क्लियर कट डायरेक्शनल पॉजिटिव मूवमेंट होगा, एक अच्छा शार्प मूवमेंट होगा, तो आपका अगेंस्ट द ट्रेंड जब एंट्री करेंगे तो आपके टारगेट्स नहीं आएंगे कभी भी। ये बात कहीं भी लिख लो, बड़ी डेप्थ में बोली है लेकिन लिख लो इस बात। बहुत सर, बहुत नॉलेजेबल बात बताई अभी सर आपने ये वाली, कि आपके टारगेट्स नहीं आएंगे अगर आपका ट्रेंड एंगल शार्प है, तो अगेंस्ट द ट्रेंड आप एंट्री करेंगे तो आपके टारगेट्स कभी नहीं आएंगे। कभी तुक्के से आ गया वो अलग बात है, विद द ट्रेंड के सारे टारगेट आएंगे। तो कहने का मतलब अगर पहले तो 50-50% जो कल विक्रम जी ने एक बात बोली थी कि T2 पे आप एंट्री ना करो तो ज्यादा बेटर है, अगेंस्ट द ट्रेंड जब तक आप पूरे महारत हासिल नहीं कर दो फाइनेंशियल मार्केट में, तब तक अगेंस्ट द ट्रेंड एंट्री मत करो। मैं कह रहा हूं कि करो कब, जब आपको पता चल जाए वो कौन से 50% टाइम है जिसमें अगेंस्ट द ट्रेंड आपके टारगेट नहीं आने वाले, वो वही टाइम है जिसमें ट्रेंड एंगल ज्यादा शार्प होगा या फिर चैनलाइज मैनर में ज्यादा शार्प होगा, तो आपकी जो मींस आपका जो एंट्री कैंडल बनेगी वही वाइड कैंडल बनेगी और दो कैंडल में आपका टारगेट आ जाएगा और आप एंट्री लेंगे और प्राइस पूरा ऊपर भाग जाएगा बिकॉज ऑफ ट्रेंड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। अब समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट है? बिल्कुल सर, एकदम ठीक है। अब फिबोनाची को हम क्या करेंगे, कस्टमाइज करेंगे। सपोज करते हैं पॉजिटिव आपका ट्रेंड में मार्केट है, ठीक है, पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर मार्केट है, तो फिबोनाची को हम एंट्री के अंदर हम यूज करेंगे। भाई आपने हैंड रेज किया, बताइए फटाफट बताइए, आपका सवाल का जवाब देंगे। सर एक बार वो और रिपीट कर दीजिए जो आपने शार्प एंगल वाला बताया है, ट्रेंड एंगल में। अच्छा शार्प एंगल लिखना है, अगेंस्ट द ट्रेंड जी लिखना नहीं सर, समझना है मेरे को एक बार फिर सर। कहने का मतलब आपका ट्रेंड जो है या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या साइडवेज होगा, ऐसे होगा ना, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा या साइडवेज होगा। अगर आपका ट्रेंड एंगल ज्यादा शार्प है, ज्यादा शार्प का क्या मतलब होता है, 45 डिग्री के अबो, ऐसे ही होता ना, जिसके ऊपर हम ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, तो या तो आपका 45 डिग्री से ऊपर एकदम बिल्कुल ऐसा खड़ा ट्रेंड होगा, जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल यही दे देता हूं क्रूड ऑयल का, कि आपका प्राइस ऊपर गया नीचे आया, कौन सा ट्रेंड है, और सेम यही हो रहा है, पॉजिटिव ट्रेंड ठीक है। तो ये टारगेट कभी आपका आएगा ही नहीं बिकॉज ऑफ
ट्रेंड एंगल जो है बहुत ज्यादा शार्प है, ट्रेंड में स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो आपको अगेंस्ट द ट्रेंड की जो एंट्रीज है T2 वाली वो नहीं करनी है। कब करनी है? जब एंगल आपका पॉजिटिव टू साइडवेज, मीन थोड़ा साइडवेज हो ना पॉजिटिव, तो आप दोनों साइड की एंट्री कर सकते हो। अगर ट्रेंड ज्यादा शार्प है तो विद द ट्रेंड, मीन आप ये बाय करते हैं, यहाँ बाय करते हैं, यहाँ बाय करते हैं, जब भी गिरा तो आपको कितना प्रॉफिटेबल होते हैं, लेकिन जब भी आप मार्केट को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो हमेशा लॉस करते हैं। अब समझ में आ गया? अगेंस्ट द ट्रेंड हो जाता है, ठीक है। तो अगेंस्ट द ट्रेंड एंट्री मैंने आपको टाइप टू की एरिया फेलियर पे अगेंस्ट द ट्रेंड एंट्री करना सिखाया है, ऐसा नहीं कि नहीं सिखाया, लेकिन कैसे सिखाया? मैंने आपको बोला कि क्या क्या कंडीशंस है, एक तो डबल टॉप मिनिमम कंडीशंस है जिस भी टाइम फ्रेम में आपको बोला, दूसरी चीज क्या, एंगल ज्यादा तीसरी चीज जो अभी चार्ट पैटर्न के अंदर आएगी, क्या राइजिंग वेज एंड फॉलिंग वेज वाली, तब ट्रेंड के अगेंस्ट एंट्री करना है, कभी भी मिस नहीं करना। जब मैं आपको चार्ट पैटर्न के अंदर राइजिंग वेज एंड फॉलिंग वेज सिखाऊं, जब मार्केट सेक्टर को फाइंड आउट करते हुए जब T2 पे प्राइस आएगा और T2 पे कई दिनों पे या कई महीनों तक जब कंसोलिडेट करेगा, और पहले एक्सपेंडेड रेंज रहेगा, देन नैरो रेंज हो जाएगा, तो एक वो राइजिंग वेज या फॉलिंग वेज बनेगा। राइजिंग वेज एक पॉजिटिव अप ट्रेंड में बनेगा, फॉलिंग वेज आपके नेगेटिव डाउन ट्रेंड में बनेगा, तो तब वो एंट्री करनी है। क्यों करनी है? कि मान लीजिए प्राइस 50% बढ़ा 2 महीने के अंदर, ठीक है, कितने 2 महीने के अंदर बढ़ा, तो आपका जो है ना 30% मूवमेंट जो है ना 3 दिन में ही आ जाएगा, 3 से 4 दिन में इतना सॉफ्ट मूवमेंट आएगा, अगर पॉजिटिव अपट्रेंड में या नेगेटिव अपट्रेंड में तो अपसाइड का। ये टाइप टू बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइप टू ऐसे नहीं छोटे छोटे टारगेट के लिए नहीं, ट्रेंड के अगेंस्ट में चले जाओ, ये सब चीजें कुछ के लिए प्रॉपर कंफर्मेशन चाहिए। इतना समझ में आता है? यस सर, ठीक है। अब फिबोनाची को थोड़ा सा कस्टमाइज और करेंगे, क्योंकि जितना हम उतना ही यूज करेंगे, कि सपोज करते हैं प्राइस आपका एक चैनलाइज मैनर के अंदर है, ठीक है, या नहीं भी है, ठीक है, तो आपका प्राइस ऊपर गया तो आपका T1 ये रहेगा, T2 ये रहेगा, T3 ये रहेगा, और T4 ऊपर वाला रहेगा, और T5 नीचे रहेगा, ऐसे रहेगा ना? हाँ सर, यस सर। तो प्राइस आपका ऐसे गया। अब ये मैं जितने भी T1 T2 बोलो, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे, बहुत सारे बुक में सर्च करेंगे, है ही नहीं, कहीं है ही नहीं, ये मेरा अपना ओन है। जितना भी प्राइस 17 ईयर्स में मैं जो एक्सपीरियंस गेन किया वो मेरा सब कुछ ओन है, आपको मिलेगा ही नहीं कहीं पे, की जोन पे आपको वीडियो ही नहीं मिलेगी। यस सर, मिलेगी, देख लेना मिलेगी नहीं। सर आप अपनी एक बुक पब्लिश कर दीजिए प्लीज। बुक अभी नहीं, बुक पे प्लान कर रहे हैं, बुक लिखेंगे प्राइस एक्शन के ऊपर, की पूरा प्रॉपर एक नॉलेजेबल बुक लिखेंगे पूरा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा सर, बिल्कुल लिखेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या कि ये T1, T2, T5, मतलब यहाँ तक जाते हैं, और 11 क्या बोलते हैं डे ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग जो 11 में रहे, ठीक है, वहां पे एंट्री करनी है, उसके अलावा करनी ही नहीं है, तो स्टॉप लॉस तो भूल जाओ। जब इन जोन पे जब आप एंट्री करने लोगे स्टॉप लॉस भूल जाओ, और टारगेट तो इतने लंबे लंबे के आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। कहने का मतलब जो स्विंग्स एंड पोजिशंस ट्रेडिंग में जो लोग टारगेट बुक करते हैं, और मेरे की जोन पे जो प्राइस आता है वहां पे जो मैं आपको बोलता हूँ उस तरीके से आता है, वो टारगेट आप डे ट्रेडिंग में बुक कर सकते हो। तो आधे परसेंट 1% का करना क्या है, 10 ट्रेड करने से बचा 2 ही कर लेंगे, लेकिन उन 10 से 10 गुना प्रॉफिट तो ज्यादा कर लेंगे ना, तो पीसफुल ट्रेडिंग भी करेंगे। कहने का मतलब ट्रेडिंग जो होती है वो पीसफुल माइंड के साथ होती है, फटाफट वाली को काम नहीं होता, बिल्कुल पीसफुल तरीके से। एक कैंडल ग्रीन बन गई, एक रेड बन गई, हार्ट बीट नहीं बढ़नी चाहिए ट्रेडिंग करते टाइम, वो ट्रेडिंग नहीं है। आप लोग मतलब सब लोग सीखने के बाद, इतना अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करने के बाद क्यों स्टूडेंट सक्सेस हो रहे हैं? रीजन ये है कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो मैं आपको सिखाता नहीं, आपको जीरो से लेकर के एंड तक लेके चलता हूँ। कुछ भी पॉइंट बताइए प्राइस को यूज करने में, एक भी पॉइंट मैंने मिस किया तो कोई भी बता सकता मुझे? नहीं सर, कभी ऐसा नहीं, नहीं सर, एक भी पॉइंट नहीं, बल्कि रिपीट हुआ कई बार एक ही पॉइंट। हाँ वो जरूरी है ना। अब देखिए फिबोनाची हमने किस तरीके से लगाया, ठीक है, अब कौन कौन से लेवल्स इंपोर्टेंट है, ये इतना सारा ये करना नहीं है 23%, 38%, 50%, 61%, 70%, नहीं इतना ये सब किसी काम का नहीं है, ठीक है, ओनली एंट्रीज में यूज करना है फिबोनाची को। तो आपके लिए इंपोर्टेंट जो लेवल्स है, इंपोर्टेंट लेवल्स ओनली जो रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ 38 रखना है, ठीक है, और 50 रखना, 61 रखना, बस कुछ नहीं रखना, और कुछ चाहिए नहीं, बस इतना ही रखना, 23 नहीं चाहिए, 23 नहीं चाहिए, ठीक है, यही है, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है कि जो हम मिस आपके की जोन जो बनाते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक बनाते हैं, ठीक है, जब वो लेवल्स इन लेवल्स पे गुजरते हैं, मान लीजिए पॉजिटिव अप ट्रेंड है, जो लेवल मैंने आपको बताया वो लेवल इन लेवल्स पे जब गुजरते हैं,
तो ड्यूल कंफर्मेशन होता है, वो ट्रेड आपका एक क्वालिटी ट्रेड सेटअप होता है, ओनली स्ट्रेंथ के लिए यूज करना है। अब समझ में आया? ये दोबारा रिपीट करो। जी कर दीजिए सर, बेहतर। जो जो हम हमारे जो हाई टाइम फ्रेम वाले जो हम की जोन बनाते हैं, डायनेमिक असेंडिंग डिसेंडिंग बनाते हैं, ठीक है? यस सर। तो वो, जब वो बनाते हैं तो हम मार्केट स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। यस सर। मार्केट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो प्राइस ऐसे से होता है पॉजिटिव अप ट्रेंड में, ठीक है? यस सर। और नेगेटिव अप ट्रेंड में ऐसे से होता है, ठीक है? यस सर। तो सपोज करते हैं पॉजिटिव अप ट्रेंड में ऐसे से हो रहा है, जिसमें मैं ऐसे एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं, ठीक है? तो फिबोनाची आपने एवरी पॉजिटिव वेव पे लगाओ, पॉजिटिव ट्रेंड में स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, स्ट्रेंथ चेक करने के लिए पॉजिटिव ट्रेंड में एवरी पॉजिटिव वेव पे लगाओ और नेगेटिव ट्रेंड में नेगेटिव वेव पे लगाओ, स्ट्रेंथ चेक कर, ठीक है? तो जो आपके जो की जोन जो आते हैं वो 38, 50, 50 ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 50, 61 वाला ये अनफेयर होता है। तो 61 तक का मैं मानता हूँ, 61 तक नहीं, नीचे इसके ऊपर नीचे जो प्राइस निकलता है लेकिन कंफर्म नहीं होता, इट इज अनफेयर लो, ठीक है? तो इस जोन के पास जो जब जो जोन निकलते थे ड्यूल कंफर्मेशन होता है, वो सेटअप जो होता है वो क्वालिटी ट्रेड सेटअप, कहने का मतलब वो डबल कंफर्मेशन वाला ट्रेड सेटअप होता है। जितना बड़ा प्राइस यहाँ से बढ़ा, यहाँ से जो शुरू होगा उतना बड़ा मूवमेंट और आएगा प्राइस के अंदर, प्रैक्टिकली प्रूवन बात है। तो फिबोनाची को टारगेट बुकिंग में यूज नहीं करना, ओनली एंट्री में यूज करना, क्योंकि हम नेक्स्ट जनरेशन प्राइस एक्शन कर रहे हैं, वो बच्चे करते हैं जिनको नहीं आता, वो टारगेट बुकिंग में करते हैं। टारगेट बुकिंग के लिए फिबोनाची आज के सिनेरियो में नहीं है, वो आउटडेटेड सब्जेक्ट है। अब समझ में आया? यस सर। ठीक है, और जो हमारा जब अब पार्ट फोर होगा, तो पार्ट फोर के अंदर मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आपका सपोज करिए मान लीजिए प्राइस ऐसा चल रहा, आपने यहाँ पे बाय किया, तो हम फर्स्ट टारगेट कहां बुक करें वो तो सेपरेट क्लास होगी, और आपका अनलिमिटेड के लिए ट्रेल कैसे करें वो तो पार्ट फोर के अंदर बताऊंगा, नहीं वो तो अनलिमिटेड के लिए ट्रेल कैसे करें वो मैं आपको यही बता देता हूं। तो इतना समझ में आया अब तक फिबोनाची को कैसे यूज करेंगे ट्रेंड की स्ट्रेंथ करने के लिए, चेक करने के लिए? ट्रेंड की स्ट्रेंथ करने का मतलब अगर प्राइस आपका ऐसे चल रहा है, तो अगर आपका फिबोनाची कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे ना? यस सर, बाइंग साइड के लिए। फिर गलत हो गया ना, फिर गलत कर दिया, ऐसे क्यों ड्रॉ करेंगे यार? फिबोनाची पॉजिटिव ट्रेंड में पॉजिटिव वेव के ऊपर ड्रॉ करेंगे, ओनली इस पे ड्रॉ करेंगे, ओनली पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर ओनली पॉजिटिव वेव के ऊपर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें इन लेवल्स को एज ए सपोर्ट लेना है, तीन लेवल को सिर्फ पॉजिटिव वेव के ऊपर ड्रॉ करेंगे पॉजिटिव ट्रेंड में, और नेगेटिव ट्रेंड के अंदर ओनली नेगेटिव वेव के ऊपर ड्रॉ करेंगे। कैसे? ऐसे, ताकि प्राइस जब ऊपर आए तो इन लेवल्स का रेजिस्टेंस ले। अब समझ में आया? यही सबसे बड़ी मिस्टेक। जी सर। ओके सर, ओके। प्रॉपर समझ में आया? किसी चार्ट पर जरा प्लॉट कर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ, चार्ट पर प्लॉट करते हैं, बिल्कुल। ये तो बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये चार्ट आपका क्रूड ऑयल का चार्ट है, बाकी और भी चार्ट लेते हैं, ठीक है? तो आपका कौन सी इधर कौन सी वेव पे प्लॉट करेंगे? इस पे। ठीक प्लॉट किया? तो ये जो लेवल है एज ए पॉजिटिव ट्रेंड में एज ए सपोर्ट लेने चाहिए, तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया ना 38% का, और yes, पीछे से कोई ना कोई यहाँ पे वो आ रहा होगा, ये देखिए, मजा आएगा, ठीक है? अब देखिए, तो ये आपका आ गया, तो 38 का सपोर्ट प्लस डायनेमिक सपोर्ट, और प्राइस ने रिटेस्ट किया, बूम, नहीं हुआ क्या? यस सर। तो ड्यूल यहां पे अकेले फिबोनाची से बात नहीं बनेगी, क्योंकि फिबोनाची पूरा प्राइस एक्शन नहीं है अपने आप में, ठीक है? फिबोनाची के साथ ड्यूल कंफर्मेशन चाहिए आपका की जोन का, ठीक है? सेम अगर आप इसको हटा दें, अगली बार जब प्राइस आपका ऊपर गया तो कैसे ड्रॉ करेंगे? ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो प्राइस यहां से क्यों भागा 38 से? 38 का मतलब क्या होता है? देखिए, दो चीजें होती है। 38 से अगर प्राइस जाता है, मान लीजिए प्राइस ऊपर गया और 38% का रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, और कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है, तो ट्रेंड के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, मींस जिसको भी करना है इसको बाई करना, ऊपर ही लेके जाना है, वो 38 से नीचे आएगा ही, और थोड़ा सा अगर आराम से अगर किसी को ऊपर ले गए
और उसको प्रॉफिट बुक करना और वापस अगर ऊपर लेके जाना है तो वो प्राइस क्या होगा, वो प्राइस जो होगा नॉर्मली आपका 50 एंड 61 से मैं भी वीक बना के थोड़ा कंसोलिडेट करके नीचे आ जाए, ठीक है, और आपका ब्रेक कर दे। ये जो नीचे 61 से जितना भी निकला है वीक बना के या फिर एक आधे कैंडल क्लोज हुआ जो कंफर्म नहीं हुआ, इट इज अनफेयर लो, ठीक है। उसके बाद जो निकला है ये आपका क्वालिटी ट्रेड सेटअप है, इसने आपने जिस भी जिन्होंने बाय किया प्रॉपर टॉप पे प्राइस गया, आराम से प्रॉफिट बुकिंग किया और ऊपर लेके नहीं जाना, एक प्रॉपर रेंज के अंदर बाय करना है, कंसोलिडेट किया, एक्युमुलेशन हुआ, देन प्राइस गो ऊपर चला गया, ऐसा होता है। दोनों मींस 38% रिट्रेसमेंट पर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है और 50 एंड 61 में आपका एक क्वालिटी ट्रेड सेटअप होता है और ये भी आपका एक क्वालिटी ट्रेड सेटअप है। इन दोनों ट्रेड सेटअप के अकॉर्डिंग अगर आपका वहां से सपोर्ट आ रहा है या रेजिस्टेंस आ रहा है, असेंडिंग डिसेंडिंग डायनेमिक आ रहा है और वो ड्यूअल कंफर्मेशन मिल रहा है तो इट इज क्वालिटी ट्रेड सेटअप। समझ में आया? बहुत अच्छे से सर। एक क्वेश्चन बोलिए सर, एक क्वेश्चन सर, जैसे ये जो प्राइस है पूरे पीक पर पहुंच चुका है, अब हमारे को इसमें रिट्रेसमेंट लगा के वो मतलब एनालाइज करना है कि अब ये ट्रेंड मतलब बाइंग साइड किस साइड हो सकता है, ठीक है। तो ये लाइव देख लेते हैं, देखिए ये लाइव देख लेते हैं, ये क्रूड ऑयल में यहाँ से लगा, किसी भी स्ट्रिप पे क्रूड ऑयल पे लगाओ, निफ्टी पे लगाओ, बैंक निफ्टी लगाओ, वो सब पे काम करता है, ठीक है। यहाँ पे लगाया और प्राइस का इधर देखिए, प्राइस का इधर क्या आ रहा था, कौन सा जोन आ रहा है, तो यहाँ से देखिए क्रूड ऑयल में क्या बाइंग नहीं आई क्या इस जोन पे? जी सर, ठीक तो है, बिल्कुल सर, मतलब लास्ट जो लो होगा उससे लेकर लास्ट पीक तक ले जाना है भाई। मार्केट स्ट्रक्चर बनाने के बाद पहले आप मार्केट स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर बनाने के बाद प्रॉपर एक वेव के साथ कनेक्ट करोगे। मान लीजिए कि ये प्रॉपर एक वेव है, ठीक है, और यहाँ पे एक प्रॉपर एक वेव है, ये नहीं कि आप इस पे ड्रॉ कर दो, इस पे ड्रॉ कर दो, इस पे ड्रॉ कर दो, ऐसे थोड़ी ड्रॉ करोगे, ये आपकी एक प्रॉपर वेव है, वो तो आपको आंखों से ही दिख जाएगी, ये एक प्रॉपर वेव है, ठीक है, ये आपकी एक प्रॉपर वेव है, ये देखिए तो ये आंखों से दिख रही है ना? जी बिल्कुल, समझ में आ रहा है सर? ये कॉम्बिनेशन में बहुत बढ़िया होगा सर, ये मार्केट स्ट्रक्चर। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, इट इज नॉट ए कंप्लीट प्राइस एक्शन, ये कंप्लीट प्राइस एक्शन नहीं है। जब अभी आपकी पार्ट फोर जब होगा, जब पार्ट फोर होगा तब कभी कभार जब जरूरत पड़ेगी तो इसको यूज करना, ये हमेशा काम नहीं करेगा, हमेशा काम मतलब जब ये सिचुएशन बनेगी तब काम करेगा ना, जब सिचुएशन बनेगी नहीं तब कैसे काम करेगा, जबरदस्ती थोड़ा लगा दो फिबोनाची। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मींस जिसको लैक ऑफ नॉलेज की वजह से सिस्टम खोला, सिस्टम खोलते ही मार्केट तो जिस मींस आप स्विंग्स पोजीशन एंड डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अलग अलग जोन्स होते हैं, मींस डे ट्रेडिंग अकॉर्डिंग 11 से ज्यादा होते हैं और स्विंग्स एंड पोजीशन ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग 5 होते हैं, ठीक है। उन जोन्स पे जब प्राइस होगा तब भी एक कैंडल का एसएल रख के अनलिमिटेड के लिए टारगेट के लिए हम ट्रेड करेंगे, ठीक है, ऐसे ही होता है अकॉर्डिंग टू पूरा प्राइस एक्शन सीखने के बाद। अब होता है क्या, रिटेल ट्रेडर क्या करता है, डीमैट अकाउंट खोल लिया, उसको लगता है मैं ही भगवान, दो चार इंडिकेटर फ्री में उसको मिल गए, क्योंकि सबसे बड़ी बेकार बात है वो, तो जैसे इंडिकेटर इंडिकेटर प्राइस ऊपर जाता है ऊपर मुक कर देता है, नीचे चला जाता है नीचे मुक कर देता है, प्राइस एक्शन तो खैर आता ही नहीं, प्राइस एक्शन आता तो बात ही क्या थी, तो फिर वो ऑर्डर डालना शुरू कर देता है। भाई ऑर्डर कैसे डाल सकते हो विदाउट मार्केट ट्रेंड, विदाउट मार्केट सेक्शन, विदाउट की एरिया फिलो, विदाउट आप एंट्री जाने बिना, विदाउट एग्जिट प्लान जाने बिना, तो अभिमन्यु के चक्कर वाली बात हो जाएगी, घुस तो गए लेकिन आने के बाद सब कुछ लुट लुट आ जाएगा, आपका वापस नहीं निकल पाओगे, ये मीठा जहर है। और मैक्सिमम क्या करते हैं, ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। भाई ऐसा क्या चाहते हो यार, 10,000 रुपए लगा करके रोज 10,000 रुपए कमाना चाहते हो, तो मुकेश अंबानी को छोड़ के ये काम कर लेना चाहिए, मतलब कहने का मतलब 10,000 रुपए लगा के एक महीने में 2,00,000 रुपए कमाना चाहते हो ऑप्शंस ट्रेडिंग करके, कि मतलब एक महीने का 10,000 का कितना होता है, 2,000% हो गया भाई। कौन सा बिजनेस है जहां पे 2,000% अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन स्टॉक मार्केट में करके करता है, भाई ऐसा नहीं हो सकता, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी पड़ेगी। कहने का मतलब अगर आप मुझे बोले सर मैं एक महीने का मेरा 20-25% का रिटर्न है मुझे मिल जाए तो मैं खुश हूँ, कहने का मतलब एक साल के अंदर 250 से 300% मुझे रिटर्न मिल जाए तो मैं कहूंगा गो फॉर एड, मतलब आप कर सकते हो, बहुत इजी टास्क है। अब 200-250 एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ जाओगे तो आपको 2,000% भी मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन। जब आपकी एक्सपेक्टेशन ही अनरियलिस्टिक रहेगी, 10,000 लगाना है मुझे तो 2 करोड़ चाहिए भी, मैंने तो आज तक किसी को देखा ही नहीं ऐसा, जो कमा रहे 10 लाख 5 लाख 2 लाख कमा रहे उसका कैपिटल भी तो देखो कितना है।
तो ये तो मीठा जहर आपका चला जाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग किसी भी नए बिगनर को ऑप्शन ट्रेडिंग करनी ही नहीं चाहिए, आपको एंड ऑफ द डे कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, इक्विटी में करना चाहिए, करना भी तब चाहिए जब आपको सीख जाए। और सबसे पहले करनी चाहिए पोजिशन ट्रेडिंग, क्योंकि पोजिशन ट्रेडिंग के बिना, स्विंग ट्रेडिंग नहीं आए बिना आप डे ट्रेडिंग के लिए इलिजिबल है ही नहीं, क्योंकि पूरा मार्केट स्ट्रक्चर समझे बिना, बड़ी पिक्चर समझे बिना आप डे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। सबसे बड़ी दिक्कत हम नीचे से शुरू करते हैं ऊपर पे जाते हैं, ठीक है। चलो ये तो ज्यादा डिस्कस हो गया, कोई बात नहीं, इतना समझ में आप तक? यस सर। यार किसी को ये तो नहीं लग रहा यार कुछ मैं गलती बात बोल रहा हूँ, कुछ गलत सिखा रहा हूँ? नहीं सर, किसी को तो लगेगा नहीं सर, जो भी बात कहते हो आप वो फायदे के लिए होता है। अब सारे तो मेरे से सहमत नहीं हो सकते ना, देखो सब नहीं हो सकते, तो किसी को तो शिकायत होगी कुछ ना कुछ। सर इतना तो प्राइवेट जिंदगी में भी नहीं कोई बताता सर, ना सहमत वाला आपकी क्लास में होगा ही नहीं सर। होगा ही, ये बात सही है बिल्कुल, जबरदस्ती थोड़ी एडमिट कर लिया किसी, ठीक है। तो आपको फिबोनाची के अकॉर्डिंग टारगेट्स बुक नहीं करना है, ओनली एंट्रीज के अंदर यूज करना है, इतना आपको समझ में आया? बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है सारा, इसको कितना कॉम्प्लिकेटेड था जब हम फिबोनाची को यहाँ से चार्ट पे प्लॉट किया, मतलब ये आपको ऑलमोस्ट दूसरी क्लास है, तो अब देखिए कितना छोटा सा हो गया, इजी हो गया ना, कोई मुश्किल नहीं है फिबोनाची, क्यों नहीं है? क्योंकि सब लोग इसको ही प्राइस सेक्शन या इसको बहुत कुछ समझ लेते हैं, बट ये बहुत कुछ नहीं है, जस्ट पार्ट ऑफ प्राइस सेक्शन, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ना ही इतना बनाने की जरूरत है, जब कंडीशंस बनेंगे तो यूज करेंगे, नहीं बनेंगे तो छोड़ो कोई बात नहीं। जब बन रहा है सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न, यूज कर रहे हैं डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न, तो वो ट्रेडिंग थोड़ी है, वही वाली बात होगी ना कि ट्रेंड आपका साइडवेज है, और जबरदस्ती टू स्विंग्स के साथ ही पॉजिटिव ट्रेंड कर दिया, प्राइस यहाँ नीचे आया सेल कर दिया, प्राइस वापस ऊपर चला गया बाय कर लिया, और प्राइस येलो टर्न दिया फिर सेल कर दिया, पता लगे इधर का हाई और इधर का लो, मार्केट तो साइडवेज है, तो ऐसे ट्रेडिंग थोड़ी होती है। मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ऊपर जा रहा नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, ऊपर जा रहा नीचे आ रहा, टॉप पे बाय कर रहे नीचे सेल कर रहे, अगेन बाय कर रहे नीचे सेल कर रहे, ऊपर बाय कर रहे नीचे सेल कर रहे, दोनों साइड ऐसे लग रहे, और अगले पता लगे कि वो स्क्रिप्ट इंट्राडे में 10% भागी और आपने उसमें 10 ट्रेड करके अपना जितना भी कैपिटल था सारा गंवा दिया, ऐसा भी तो करते हैं बहुत लोग बिना सीखे, उसमें से तो हम लोग भी तो शामिल है कुछ ना कुछ, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, ये वाली बात ऐसा किया नहीं क्या करके आपने? कि मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड पूरा ऊपर ही निकल गया और आपने चेंज करके कैपिटल ही गंवा दिया सारा, ऐसा भी तो करते हैं, तो ऐसे थोड़ी मार्केट चलता है, ये तो प्राइस बिहेवियर है कि जिन्होंने बाई किया वहां पे टॉप पे वो बाई नहीं करेंगे, फिर नीचे आएगा फिर बाई करेंगे, ऊपर ले जाएंगे फिर नीचे आएगा तब बाई करेंगे, तो ऐसे मार्केट चलता, मार्केट ऐसे चलता नहीं। तो फिर बोलना चाहिए आपको पूरा समझ में आया? पक्का पक्का ना? फिर भी कोई सवाल रहेगा तो हाँ प्रैक्टिस करना, कोई भी सवाल रहेगा तो अब आगे की क्लासेस में जैसे जैसे आएगा तो इसको मीन्स जो जो सिखा रहा हूँ वो सिक्वेंस में कैसे डालेंगे वो चीजें तो हम यूज कर लेंगे। अब दूसरी चीज होती है कि आप अपना 50-50 का ओन रूल, मेरा जो 50-50 का ओन रूल क्या है, 50-50 का रूल है मेरा अपना ओन है, कहने का मतलब आपका मान लीजिए प्राइस को मैंने यहां पे सेल किया, कहां पे? यहां पे सेल किया, ठीक है टॉप पे सेल किया, तो पहला टारगेट मेरा क्या होगा, पहला टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट क्या होगा, इट विल डिस्कस ऑन पार्ट 4 कि पहला टारगेट क्या होगा। चलो हम अभी एंट्री के रूल आपको पता है सारे, टाइप 1 पे पता है, टाइप 2 पे पता है, टाइप 3 पता है, टाइप 4 पता है और टाइप 5, सारे एंट्रीज के रूल आपको पता है, एक मिनट में तो वो डिस्कस हो नहीं सकते, उसके लिए लगेगा टाइम, ठीक है। तो आप एंट्री कर सकते हैं और मैं अगर सिंपल वर्ड में बोलूं कि पहला टारगेट जो होगा, जो हमारी मान लीजिए जो हमारा मीन्स आपका नेक्स्ट लेवल जो बन रहा है कि जहां पे प्राइस रुकेगा जो आपको पता चल जाएगा, उससे थोड़ा पहले मीन्स मान लीजिए 1:5 का नेक्स्ट लेवल बन रहा है, क्या बन रहा है 1:5 का या 1:10 का बन रहा है, तो 1:4 पे बुक कर लो, ठीक है। ये नया मेथड है, ठीक है, ये डिटेल में डिस्कस हम पार्ट 4 के अंदर करेंगे। अब क्या करो, 50-50 का रूल क्या है, ध्यान से समझिए इस चीज को, इसको डेप्थ में तो आगे डिस्कस करेंगे। 50-50 का रूल ये है कि मान लीजिए यहाँ पे हमने सेल किया, ठीक है, और प्राइस यहाँ आया तो हमारा सपोज करते जो भी हमारा नेक्स्ट लेवल था 1:3 1:4 1:5 जो भी था, हमने अपना 50% क्वांटिटी एग्जिट कर दिया, ठीक है। अब मार्केट तो पूरा ऊपर या पूरा नीचे कहीं ना कहीं जा ही रहा होता ना, हम क्या करते हैं स्टॉप लॉस को तो मिस हम अनलिमिटेड करते हैं और टारगेट को लिमिटेड करते हैं। अब ऐसा करना नहीं है,
हमें टारगेट को अनलिमिटेड के लिए एक रियलिस्टिक टारगेट को रखना है और स्टॉप लॉस लिमिट करना है पोजिशन साइजिंग के अकॉर्डिंग। पोजिशन साइजिंग सबको पता है ना, पोजिशन साइजिंग सेम रखना है। जी नहीं सर, एक बार बता दीजिए। दो चार को नए को नहीं पता था। अच्छा पोजिशन साइजिंग एक बार इवन में रखना है, उसकी उसकी एक क्लास करनी पड़ेगी सेपरेट, वो एक मिनट का टॉपिक नहीं है। उसके लिए जैसे अभी एक घंटा दिया ना, वैसे एक घंटा देना पड़ेगा। वो अपलोडेड है यूट्यूब पे, एक बार देखिए। उसके बाद जब आपका पार्ट फोर फिनिश हो जाएगा तब आपकी मनी मैनेजमेंट की क्लास करेंगे, पोजिशन साइजिंग क्लास करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट वाली, ठीक है। उसके बाद आपको लाइव सारे ट्रेड्स, पहले लेवल मार्किंग करना सब बोलूंगा, पहले कैसे करना है, उसके बाद आपको कैसे लाइव मार्केट में करना सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। ये बहुत डेप्थ वाले टॉपिक है, एक एक मिनट वाली बात नहीं है। पार्ट थ्री की क्लास है ना सर ये? नहीं, पार्ट वन की क्लास है। तो पार्ट थ्री कैसे होगी सर? ये पार्ट वन की क्लास है, पार्ट टू शाम को होता है। पार्ट टू शाम को होता है। पार्ट वन, पार्ट थ्री की तो अगले मंडे से होगा ना पूरा। पार्ट थ्री अगले मंडे से मीन्स जो रिपीट करेंगे, सॉरी पार्ट थ्री क्यों होगा, पार्ट फोर होगा। पार्ट थ्री तो इवनिंग में हो ही रहा है। यस सर, पार्ट थ्री मॉर्निंग में होगा और आपका पार्ट फोर इवनिंग में होगा, ताकि आप कर सके। क्योंकि जितने भी चार्ट पैटर्न है, वो वाले चार्ट पैटर्न डिस्कस नहीं करते जो 50-50 काम करते हैं, वो वाले डिस्कस करेंगे जो एडवांस होंगे, ठीक है। तो आपका कि आपने पहला टारगेट बुक कर लिया, पहला टारगेट कहां पे बुक कर लिया, जहां पे आपका एक लॉजिकली टारगेट बन रहा है उससे थोड़ा पहले, ठीक है। अब 50-50 के रूल के अकॉर्डिंग आपको करना क्या है, क्योंकि मार्केट तो कहीं ना कहीं जा रहा होता है। कभी कभी आपका 1% पे रुक जाता है, कभी कभी 10% चला जाता है, कभी कभी 7% पे रुक जाता है, ऐसा होता है ना। तो जो फर्स्ट टारगेट जो होता है, फर्स्ट टारगेट ओनली गेम में एंट्री करने के लिए होता है। मीन्स आपने प्राइस को यहाँ पे बाई किया और प्राइस का यहाँ चला गया, तो आपने 50% क्वांटिटी निकाल दी। ओके, 50% क्वांटिटी आपने निकाल दी। अब 50% या फिर आपका लगता है कि ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता, वैसे तो आपका परसेप्शन तो कभी काम करेगा ही नहीं, जो मार्केट करेगा वही करेगा। तो 50% क्वांटिटी आपको रखना है, होल्ड करना है। क्यों? क्योंकि 50% जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो आपका एसएल आप कॉस्ट का प्लेस कर देंगे, 50% टाइम कॉस्ट का ही लगेगा, 20% थोड़ा और ऊपर जाकर के आपको प्रॉफिट दे देगा, 30% इतना जाएगा जितने आप एक साइड में ट्रेड कर रहे हो, उतने वो 30% ट्रेड उसका एटलीस्ट 3 गुना से ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि आप देखते हो निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक इंट्राडे के अंदर एक बार ऊपर मुंह कर लेते हैं, महीने में 4 दिन तो किसी भी स्क्रिप्ट में ऐसा होता है, 4 से 5 दिन। महीने में 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, उसमें 4 से 5 दिन कोई भी स्क्रिप्ट एक डायरेक्शनल मूवमेंट करती है। आप चेक कर लीजिए चार्ट के ऊपर नॉर्मली, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे आपका क्रूड ऑयल हो, चाहे आपका कोई भी इंडेक्स सॉरी स्टॉक्स हो, चाहे आपका करेंसी हो, 4 से 5 दिन वो आपका पूरे दिन यूं ही चलता रहता है। तो आपने कितनी बार ऐसा किया कि आपने वो पूरा टारगेट लिया आज तक? अगर आपने वो 4 से 5 टारगेट ही बुक कर लिया तो ये बात बड़ी बन जाती। किया बहुत, जो सीख गए उन स्टूडेंट्स ने किया पूरा टारगेट लेके गए, ठीक है। कैसे लेके जाएंगे? मीन रिमेनिंग जो 50% क्वांटिटी है, यहां बाय किया या फिर यहां पे सेल किया, आपका फर्स्ट टारगेट यहां पे आ गया, बुक कर लिया 50% क्वांटिटी। ये रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली मतलब करना है तो करना है, क्योंकि इसी से आपका बड़ा कैपिटल गेन होगा। तो 30% सिनेरियो में क्या होगा, प्राइस ऊपर गया देन नीचे आएगा और कॉस्ट कैसल नहीं तोड़ेगा। अब ट्रेल कैसे करना है, प्राइस नीचे आया तो एक हाई बना दिया और अगेन प्राइस नीचे आ रहा है, रिट्रेसमेंट करने आ रहा है और कॉस्ट का एसएल तोड़ा नहीं, तो अब आपको जो ट्रेलिंग एसएल है उसको आज ऊपर कैसे शिफ्ट करेंगे, ये सवाल है ना। ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि ये कौन से टाइम फ्रेम में होगी, जिस टाइम फ्रेम में हम एंट्री करेंगे, आपका एटलीस्ट इंट्राडे में जब ट्रेडिंग करेंगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में फॉलो होगा और स्विंग्स एंड पोजीशंस ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वो आपका डेली या 125 मिनट में हम करेंगे। तो आपका प्राइस नीचे आया, अब जो आपका कॉस्ट का एसएल, उस कॉस्ट के एसएल को ऊपर तब तक नहीं खिसकाना जब तक रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके प्राइस ये हाई ना तोड़ दे। अब आपको इसको यहां प्लेस कर लेना, इतना समझ में आया? बोलो तो सर, सॉरी टू से थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए। क्या होल्ड करना है, मतलब दो मिनट जरा इसको डाइजेस्ट कर ले लीजिए, मेरे लिए थोड़ा नया। मैं दोबारा बताता हूँ कि प्राइस आपका ऊपर गया, ठीक है,
ऊपर गया तो आपका फर्स्ट टारगेट आ गया, बुक कर लिया 50% क्वांटिटी, आपने बुक कर लिया और 50% क्वांटिटी का कॉस्ट कैसे लगा दिया, सिंपल है। और प्राइस वापस नीचे आ रहा है तो आपको ट्रेलिंग एसएल एडजस्ट नहीं करना जब तक प्राइस जो ये हाई बनाया दोबारा हाई ना तोड़ दे, तब आपको ट्रेलिंग एसएल को यहाँ पे एडजस्ट करना, इतना ही तो सिंपल है। या फिर आपने सेल किया यहाँ पे, फर्स्ट टारगेट आ गया, प्राइस वापस ऊपर जा रहा है, कॉस्ट का एसएल यहाँ तो लग जाएगा, अगर नहीं लगा तो आप कॉस्ट का ही लगा के रखिए जब तक ये रिट्रेसमेंट के बाद ये लो ना तोड़ दे, तब आपको स्टॉप लॉस यहाँ प्लेस करना है। इतना समझ में आया, ठीक है? बाकी लोग बोलिए, आवाज आ रही मेरी? यस सर, समझ में आया इतना। अब यहाँ पे प्लेस किया, अब सुन लीजिए, अब यहाँ पे प्लेस किया, अब ऊपर कब प्लेस करेंगे, कितना भी ऊपर जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर जाने दीजिए, अगेन वापस नीचे आएगा, आने दीजिए, नहीं करना क्योंकि आप बीच में से गेम से बाहर हो जाओगे। ये जो हाई बना है अगेन रिट्रेसमेंट के बाद जब ये हाई टूटेगा तब आपको यहाँ प्लेस करना है। ऐसे प्राइस चलता रहेगा, अगेन नीचे आएगा, रिट्रेसमेंट लेगा, हाई टूट जाएगा, हाई टूटने के बाद हमेशा प्लेस करते रहेगा। ऐसे हाई टूटने के बाद एंड में क्या होगा, पूरे दिन स्क्रिप्ट ऐसे चल रही होती है। अब जब ट्रेंड का एंड होना होगा तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, एकदम 90 डिग्री से खड़ा हो जाएगा प्राइस, ठीक है? 90 डिग्री से जब खड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे कैंडल टू कैंडल ही ट्रेल करना, और सबसे बड़ी कैंडल बनेगी तो वो एंड है, क्योंकि प्राइस एंड ट्रेंड लाइन के बीच में गैप होगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं, प्राइस वापस यहाँ पे आएगा। तो कभी भी इस चक्कर में मत बैठे रहना कि और ऊपर जाएगा। अगर प्राइस आपका इस तरीके से चल रहा हो, ट्रेलिंग आप कर रहे हो और प्राइस ऐसे 90 डिग्री से खड़ा हो जा रहा है, ठीक है, तो इससे बेस्ट प्रॉफिट बुकिंग का टाइम हो ही नहीं सकता। और बहुत सारी स्क्रिप्ट लास्ट में जाकर के एंड में 3:15 तक भी आपको क्या बोलते हैं, टॉप पे ही क्लोज होते हैं, या फिर ऐसे नेगेटिव चल रहा है तो आप ट्रेलिंग कैसे करो, जब जब लो टूट रहा है और बाद में एकदम से 90 डिग्री से आ जाता है, तो ये आपका ट्रेलिंग का बेस्ट मेथड है इस तरीके से, कि जब तक लो नहीं टूट जाता तब तक यहाँ का ट्रेलिंग यहाँ नहीं ले जाएंगे, जब तक ये लो नहीं टूट जाता तब तक ट्रेलिंग यहाँ नहीं ले जाएंगे, तो ऐसे ट्रेलिंग करना है, ठीक है? ये आप अभी हम जब पूरा सीख जाएंगे पार्ट 4 तक तो प्रैक्टिस करेंगे ना, जो जो दो दो क्वांटिटी पे, जब प्रैक्टिस करने के बाद जब आपका पूरा आपको कॉन्फिडेंस आए कि अब मार्केट मेरे हिसाब से चल रहा, तब अपने हिसाब से अपना कैपिटल डाल के ट्रेडिंग करना पूरा सीखने के बाद। इतना समझ में आया? जी सर, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 क्लास होगी, काफी मैंने आप लोगों को डेप्थ में डिस्कस किया और काफी अच्छे से डिस्कस किया, और ये यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे ताकि हमारे व्यूअर्स भी सीख सके, अच्छे से देख सके। सीखना तो पूरा ही पड़ेगा, आधे अधूरे से बात बनेगी नहीं, बाकी आप लोग भी रिपीटेड कर सके, तो इसलिए मैं ये अपलोड कर देता हूँ। थैंक यू सो मच सर लोगों का, मिलते हैं इवनिंग में 8:45। थैंक यू सर, गुड नाइट मत बोलना है, गुड नाइट शाम को बोलेंगे थैंक यू सर।